हाँ जी मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या है, होप एकदम मजे में हो गया आप सब। आज आपके लिए लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग Google Pixel 6 Pro की। पहला Google प्रोडक्ट है जो मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर। बॉक्स की अगर बात करें तो Google का लोगो, Pixel 6 Pro है मॉडल। एक साइड पे बात करें Pixel 6 Pro, दूसरी साइड पे Google, और यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक रैप नहीं है, दो पुल टैब ही हैं। तो इनको खींचते हैं, निकालते हैं फोन को बाहर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पहला गूगल का प्रोडक्ट है तो पुल टैब खींचते हैं। तो रेडी हो, निकाले फोन को बाहर, 1, 2 and 3। तो यहाँ पे है अपना Google 6 Pro, कोई भी प्लास्टिक रैप नहीं। आगे जो हमारी स्क्रीन है यहाँ पे डेफिनेटली एक रैप है। तो इसको निकालते हैं, बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या मिलता है Google फोन के। पहला Google फोन है तो मुझे भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है प्रोडक्ट मैनुअल्स हमारे, USB-C टू USB केबल आपके फोन को चार्ज करने के लिए, एंड USB-A टू USB-C कन्वर्टर। पावर अडैप्टर यहाँ पे भी आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा। अब रैप निकालते हैं, और रैप निकालने के लिए बड़ा सही दिया हुआ इन्होंने, जहाँ पे आपकी उंगली फंस सकती है। तो 1, 2 and 3 ऑन करते हैं अपने फोन को, पहला गूगल का फोन। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ऑनेस्टली। फ्रंट कैमरा दिखने लग गया है, और अभी फोन को मैं सेटअप करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ क्या क्या हमें मिलता है Google Pixel 6 Pro में। Google 6 Pro मैंने सेटअप कर लिया है, और सबसे पहले ही मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो फोन है इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया क्या, ये बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है। US, UK, ऑस्ट्रेलिया और 2-3 कंट्रीज और हैं जहां पे गूगल ने इस फोन को रिलीज किया है। इंडिया में ये फोन नहीं आने वाला है, ना ही पाकिस्तान में, ना ही बांग्लादेश में। सिर्फ 6 कंट्रीज है जहां पे गूगल ने पिक्सल 6 सीरीज को रिलीज किया है। बट आप सबकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड आई डोंट थिंक कि गूगल का जो पिक्सल 6 प्रो है इसके ऊपर हिंदी में कोई वीडियो है भी, या नहीं अगर होगी तो दो चार होंगी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी और ने वीडियो बनाई होगी। तो आपकी जो रिक्वेस्ट थी मैं पूरी कर रहा हूँ। और सबसे पहले अब अगर इसके मैं प्राइस की बात करूँ, तो यहाँ पे गूगल 6 प्रो का 128GB वाला वर्जन है मेरे पास, जिसका प्राइस है $899, और आपको टैक्स के साथ ही पड़ जाता है $948 का। अगर आप 256GB लेना चाहते हो तो $999 का आपको पड़ेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स लग जाएगा। तो टैक्स के बाद वो आपको पड़ेगा $1,093 का। और अगर आप टॉप ऑफ द लाइन 512GB वाला वर्जन लेना चाहते हो, जो कि सिर्फ US के अंदर ही अवेलेबल है, अगर आप UK में हो तो आपको 512GB नहीं मिलेगा। अगर आप 512GB लेना चाहते हो US से, तो आपको पड़ेगा $1,099 का, और टैक्स के बाद आप लगा सकते हो $1,204 का। तो ये तो हो गए प्राइसेस। अभी यहाँ पे कलर की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे पास है स्टॉर्मी ब्लैक कलर, इसके अलावा एक व्हाइट कलर आता है, और एक आता है सॉर्ट असनी, जो कि थोड़ा थोड़ा ऑरेंज की हिंट आपको देगा। बट पर्सनली मुझे ये वाला जो कलर है काफी ज्यादा पसंद है, और ग्लॉसी बैक हमें यहाँ पे मिल जाती है, तो फिंगरप्रिंट्स काफी ज्यादा चमकते हैं। और सबसे ज्यादा जो पॉप कर रहा है इस पूरे फोन में वो है इसका कैमरा मॉड्यूल। यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है, यहाँ पे आपको काफी सारे कैमरास दिख रहे हैं, और इतना बड़ा मैंने कभी भी कैमरा सेटअप नहीं देखा। पूरी जो बैक में एक साइड से दूसरी साइड तक विड्थ है, इसने कवर की हुई है कैमरा से ही। और एक बार एक टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं ये वॉबल करता है या नहीं जब इसको टेबल के ऊपर रखते हैं। तो वॉबल बिल्कुल नहीं कर रहा, स्ट्रेंज इनफ। बहुत बड़ा कैमरा बम्प है बट वॉबल करने का नाम नहीं है। आप टेबल के ऊपर अगर रख रहे हो तो आप देख रहे हो बिल्कुल भी वॉबल नहीं कर रहा, ये तो बहुत सही है। और जब आप इसके ऊपर केस यूज करोगे तब और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि फिर एकदम कवर हो जाएगा, तो कैमरा का जो बम्प है वो आप फील नहीं करोगे। केस तो ऑब्वियसली यूज करोगे, वरना जो बैक है बैक में आपको काफी सारे स्क्रैचेस मिलेंगे। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में। Google Pixel 6 Pro में हमें मिल जाती है 512 PPI वाली 6.7 इंच की स्क्रीन। LTPO पैनल है ये, OLED स्क्रीन है। यहाँ पे LTPO पैनल की वजह से ही जो आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, ये एक वेरिएबल रिफ्रेश रेट है। तो डिपेंड करता है आपकी यूसेज के ऊपर, 10Hz से लेके 120Hz तक जो आपकी स्क्रीन है वो जा सकती है। तो बैटरी लाइफ जो है वो आपको इसमें अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। LTPO पैनल है, इसकी वजह से ही हमें मिल रहा है यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। स्क्रीन के बाद अगर बैटरी की बात करें, क्योंकि काफी बड़ा फोन है और टॉप ऑफ द लाइन ये फोन है, फ्लैगशिप फोन है गूगल का, बैटरी हमें मिल जाती है 5003 mAh की। 30W की चार्जिंग गूगल पिक्सल 6 प्रो सपोर्ट करता है, बट जो पावर अडैप्टर है वो आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाएगी गूगल 6 प्रो में। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो 210 ग्राम है वेट। वेट के बाद एक और चीज की बात कर लेते हैं, वो है रैम। 12GB रैम आपको मिल जाएगी पिक्सल 6 प्रो के अंदर। जैसे एप्पल के अपने प्रोसेसर होते हैं, वैसे ही अब गूगल भी जो है
वो अपने प्रोसेसर बना रहा है और इनका नाम है टेंसर चिप, और वही सेम टेंसर चिप जो है हमें मिल रही है गूगल 6 प्रो के अंदर। सॉफ्टवेयर वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड 12 हमें मिल जाता है गूगल के पिक्सल 6 प्रो में, और गूगल का प्रॉमिस है कि अगर आप गूगल पिक्सल 6 प्रो लेते हो तो 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे और अगले 3 साल तक एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि एंड्रॉयड फोन्स में ये एक पंगा रहता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है वो प्रॉपरली टाइम पे नहीं मिलता है, किसी को आज मिलता है, किसी को थोड़े टाइम बाद मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे 5 साल तक आपको जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे अगर आप ये वाला फोन लेते हो। अब स्पेसिफिकेशंस की बात होगी, स्पेसिफिकेशंस के बाद बात कर लेते हैं हम लोग क्या क्या मिलता है हमें फोन में। बॉटम में हमें 2 स्पीकर्स मिल रहे हैं, उसके साथ ही USB-C पोर्ट आपके फोन को चार्ज करने के लिए और डेटा ट्रांसफर करने के लिए। एक यहाँ पे मुझे नेटवर्क बैंड दिख रहा है, राइट साइड में हमें एक नेटवर्क बैंड दिख रहा है, उसके ऊपर ही है यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर कीज, वॉल्यूम कीज के ऊपर ही हमें दिख रहा है पावर बटन, और यहाँ पे भी आपको नेटवर्क बैंड्स काफी सारे दिख रहे हैं। टॉप की अगर बात करें तो टॉप में हमें एक माइक दिख रहा है और यहाँ पे एक काफी बड़ा मैट ब्लैक कलर का टुकड़ा हमें दिख रहा है टॉप साइड में, जो की है 5G वेव वाला एंटीना। लेफ्ट साइड में सिर्फ सिम ट्रे के लिए जगह है, ड्यूअल सिम फोन है ये, तो 2 सिम आप इसमें यूज कर सकते हो। अब आते हैं मेन चीज पे, जो बहुत ही बड़ा चमक रहा है वो है इसका कैमरा। गूगल पिक्सल 6 प्रो में हमें मिल जाते हैं 3 कैमरास, 50 मेगापिक्सल का वाइड लेंस यहाँ पे मिलता है f1.85 अपर्चर वाला, टेलीफोटो लेंस मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का f3.5 अपर्चर वाला, और गूगल पिक्सल 6 प्रो में आपको 4x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। उसके साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पे मिलता है, अपर्चर है यहाँ पे f2.2, और फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो अल्ट्रा वाइड कैमरा है 11 मेगापिक्सल वाला, यहाँ पे जो अपर्चर है वो है f2.2 का। फ्रंट कैमरा से आप 4K 30 फ्रेम्स तक ही रिकॉर्ड कर सकते हो। बैक कैमरास की अगर बात करें तो 4K 30 एंड 60 फ्रेम्स का आपको सपोर्ट मिलता है, और अगर आप पिक्चर्स क्लिक करते हो तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे हैं। वो सारी चीजें जो हैं मैं अपनी कैमरा कंपैरिजन वाली वीडियो में डेफिनेटली आपको दिखाने वाला हूँ, और इस वीडियो में सिर्फ आपको अनबॉक्सिंग दिखानी थी और दिखाना था फोन। फोन जो है बहुत ही अमेजिंग फोन है, ट्रस्ट मी, जो स्क्रीन है इसको चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार है। कैमरा की थोड़ी सी फुटेज मैंने बनाई है, तो और अभी ये जो आप फुटेज देख रहे हो ये है गूगल पिक्सल 6 प्रो के फ्रंट कैमरा से, तो आप लोग खुद जज कर सकते हो क्वालिटी। अभी शाम के 4 बजे हैं, थोड़ी देर में सूरज ढलने वाला है, तो क्वालिटी आप लोग खुद जज करो। अब अगर एक बार बैक कैमरा पे स्विच करूं, अल्ट्रा वाइड लेंस के ऊपर हैं अभी हम लोग, क्वालिटी आप लोग खुद देख सकते हो। एक बार आप चलते हैं 1x पे तो कुछ ऐसी क्वालिटी, 2x, और अब आ जाते हैं 4x पे तो 4x ऑप्टिकल जूम आपको मिलता है, और अगर एक बार फिर से अल्ट्रा वाइड पे हूँ तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा जगह दिख रही है। बाकी ऑडियो वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। तो कैमरा की फुटेज आपने देखी, पिक्चर्स आपने देखी, कैसे लगे रिजल्ट प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और गूगल पिक्सल 6 प्रो का कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ, तो देखते हैं किसका कैमरा ज्यादा बेटर है। अभी आई है थोड़ी देर पहले, तो अभी तक तो मैं जज नहीं कर पाया हूँ। एक बार अब इन दोनों का साइड बाय साइड करेंगे, जो कि 3-4 दिनों के अंदर जो वीडियो है मैं आपके लिए चैनल के ऊपर लेके आ जाऊंगा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में, और कोई भी टेस्ट अगर आप देखना चाहते हो Google Pixel 6 Pro से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये जो फोन है सिर्फ 10 दिनों के लिए है मेरे पास, तो आप लोग जितना जल्दी हो सकता है कमेंट करो और मुझे बताओ। जो भी टेस्ट आप इसके देखना चाहते हो मैं आपके लिए करूंगा ही करूंगा, और यहाँ पे जो कैमरा टेस्ट है वो तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 3 या 4 दिनों में आपके लिए आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी टेस्ट देखना चाहते हो तो मुझे बताओ, जितना जल्दी होगा वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और ये थी मेरी वीडियो गूगल पिक्सल 6 प्रो के ऊपर, कैसी लगी है आपको वीडियो मुझे बताओ कमेंट्स में। फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूं तो फोन की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, और स्क्रीन जो है बहुत ही प्यारी मुझे लग रही है, क्योंकि कर्व्ड स्क्रीन है। कर्व्ड स्क्रीन्स मुझे वैसे ही पसंद रहती हैं फोन्स के ऊपर, बट ज्यादातर लोग इनके फेवर में नहीं रहते हैं। आपको क्या लगता है आप बताओ कमेंट्स में। और वीडियो खत्म करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि जैसी आए मेरी नई वीडियो आप तक आ जाए उसका नोटिफिकेशन। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूँ खत्म, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।